Scotland Cat captain Rohit Sharma. Bravo, Scotland. Scotland Cat captain Sridhar is fourth. He will move to the left and to the right of the parade ground and then line up Scotland wide. Sequence of Scotland positioning starting from our left based on the overall order of merit and each Scotland attained in the inter Scotland competition last term. Thank you.
आपण शहरामध्ये राहत असताना आणि आपल्या आजूबाजूला जे काही चाललेलं आहे त्याच्यानंतर खूप निराशा येते, दुःख होतं. पण इथे आल्यानंतर ह्या मुलांना पाहिल्यानंतर असं वाटतं नाही, आपलं भवितव्य सुरक्षित आहे. कमाल आहे मुलांची त्या, आणि ज्या पद्धतीचं डिसिप्लिन आहे, ज्या पद्धतीचं इथलं ट्रेनिंग आहे, अगदी तावून सुलाखून निघालेली आहेत ही मुलं. एक 40 दिवसाची रजा त्यांना, त्याच्यानंतर ते पुन्हा आपल्या सगळ्या कुठले ते जिथे त्यांची बदली झालेली असेल, नेमणूक झालेली असेल, तिथे जातील. पण खूप आशा होप येते असं काहीतरी पाहिल्यानंतर. आणि हे क्लिअर आहेत कमांडंट, माझे खूप छान मित्रही आहेत आणि अप्रतिम माणूस आहे, त्यामुळे त्यांनी खूप बदललेलं आहे NDA मध्ये, तुम्ही पाहिलं असेल. आणि आपल्या सिव्हिलियन्सना इथे येऊन हे एक बघितल्यानंतर आपण आपल्या मुलांना पुन्हा याच्यामध्ये आर्मीमध्ये जाण्यासाठी प्रोत्साहित करू असं वाटायला लागतं की नाही तर नॉर्मली आर्मीमध्ये कोणी पाठवत नाहीत, घाबरतात, आर्मी म्हणजे मग नाही आता काही होणार त्याचं. तसं नाही आहे, खूप अतिशय मानाचा मुद्दा आहे हा. पुन्हा एकदा तेच म्हणेन की आमचं भवितव्य ह्यांच्या हाती सुरक्षित आहे. काही विचारा, काय विचारायचं का? NDA महाराष्ट्रामध्ये आहे पण महाराष्ट्र NDA मध्ये नाही असं माग म्हटलं गेलं होतं आज. नाही 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 नाही, खूप खूप मुलं आहेत. आणि हे बघा, तुम्ही असं डिस्क्रिमिनेशन करू नका. इथे असलेला प्रत्येक मुलगा हा महाराष्ट्रीयन आहे की तो दुसऱ्या गावचा आहे, कुठल्या दुसऱ्या राज्यातला आहे, तसं नका करू. इथे असलेला जवान आहे, इथे असलेला ऑफिसर आहे, याच्यावर विश्वास ठेवा. महाराष्ट्र आणि खूप महाराष्ट्रातली मुलं आहेत की, आणि असं नका म्हणू, असले प्रश्न खरंच विचारू नका. कारण काय, त्यातून आपण उगाचच दुजाभाव होतो. आपला जवान कुठल्या जातीचा आहे, आमच्या सिनेमामध्ये सुद्धा ते एक आहे की जिथे जात धर्म काही नाही आहे, प्रत्येक जण जो छान काम करतो ते सगळे एकत्र आहेत तिथे. नाम फाउंडेशनने जय जवान जय किसान दोघांबरोबर आपण उपक्रम केले, मर्टियर्स भविष्यामध्ये सुद्धा अजून काही आपल्याला तशी वेळ येऊ नये. जे शहीद झालेले आहेत त्यांच्या प्रत्येक कुटुंबाला जाऊन 2.5 लाख रुपये द्यायचे. 2.5 लाखाने काही फार काही होता अशातला भाग नाही आहे, पण निदान आम्हाला जाणीव आहे की तुमचं काय त्याग तुमच्या मुलांनी केलेलं आहे हे सांगण्यासाठी फक्त तो प्रयत्न आहे. आणि सरतेशेवटी काही लोकांनी दिलेले पैसे आहेत, त्यांना 60 कोटी दिले होते गेल्या वर्षी, आपल्या गेल्या वर्षी नाम फाउंडेशनला, त्यातून आपले हे उपक्रम चालू आहे सगळे. सांगा ना, विचारा. नहीं, उत्साह कैडेट का नहीं बढ़ाने आया, मैं अपना उत्साह बढ़ाने आया हूँ. क्योंकि हमारे शहर में रहने के बाद इर्द गिर्द जब देखते हैं हम, तो बड़ी निराशा होती है, दुख होता है जो घट रहा है हमारे पास. और यहाँ आने के बाद फिर इन बच्चों को देखने के बाद, बच्चे कैसे यार, अब हमारा भविष्य है उनके हाथ में, सुरक्षित है, अब बड़ा सुकून मिला वो देखने के बाद. या हालांकि ये पहली बार नहीं, मैं इसके पहले भी आया हूँ, देखा है, लेकिन आज जो जुड़ा हूँ मैं इनसे, तो उसके वजह से ज़्यादा सुकून मिलता है. आपने भी कई साल ट्रेनिंग ली, सेना में शामिल थे, उनके साथ रहे थे. प्रहार के दरमियान मैंने वो ट्रेनिंग ली थी, और वहाँ का जो कोर्स है, कमांडो कोर्स है, वो था 35 दिन का. तो वहाँ जाओगे, अगर तुम 70 किलो के हो आओगे तो गनीमत समझो कि 45-50 हो तुम. तो बहुत ही, मतलब वहाँ पास होना भी मुश्किल होता है. 28 ये उम्र आउटर एज है, मैंने 40 की उम्र में किया था, तो है ठीक है, उसी की बदौलत अभी ठीक हुआ, हाथ में लाठी नहीं आई. सेना से इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा करोगे यार, रोज हमारे जो बच्चे हैं 1, 2, 3, 4 कैजुअल्टीज है, क्या चाहोगे. और ये सिर्फ मैं आर्मी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मिलिट्री और पैरामिलिट्री, जब ये BSF है, CRPF है, ITBP है, सभी का जो योगदान है और सैक्रिफाइस जो है यार, जान हथेली पे लेके आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन वहाँ जाके देखोगे जिस तरह से वो
हमारी रक्षा करते हैं, हम महफूज उनके बदौलत है, तो इससे ज़्यादा उनसे कोई गुंजाइश मत रखो। हमको कितना सुधारना है वो हमको देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम हमारे सीमा पर नहीं है, अंदरूनी प्रॉब्लम्स हमारे ज़्यादा है, उसका मसला हम ढूंढना चाहिए हमें। आपस में जो हम लड़ रहे हैं और सियासतदान जो है हमको लड़ा रहे हैं, हम अपना भी होती है, कभी कभी ऐसा चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं पे आर्मी ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी। मैंने तो वो प्रहार के वक्त बोला था कि एक साल तो तुमको देना ही पड़ेगा आर्मी को, जब जाके तुमको पता तो चले यार क्या होता है, उनके उनकी ज़िंदगी क्या होती है, एक साल से कितनी कितनी ऊर्जा मिलेगी हमको, हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वो क्यों नहीं होता मालूम नहीं है। तुमको डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक एक साल तुम आर्मी को देते नहीं, ऐसे अगर कंपलसरी करेंगे तो बेहतर होगा। नाना, आपने एक बात कही कि सियासतदान आपस में समाज को लड़ा रहे हैं, अभी भी एक करंटली एक इशू चल रहा है पद्मावती का, उसमें काफी वाद-विवाद, फिल्म को बैन, देखो देखो भाई, एक एक बैन करना है, इनका फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा और वो क्या करना है वो देख लेंगे। आज तो आज वो वहाँ भी गए हैं, भंसाली दिल्ली गए हुए हैं, बाकी की बात मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि कोई कहता है कि उनको मारेंगे काटेंगे, ये गलत है, ये मैं नहीं मानूंगा, ये सही नहीं है। लेकिन समाज की भावना है कि उनकी भावनाओं को दरकिनार करके भंसाली लगातार फिल्म रिलीज करने पे। देखो भाई, आपने बाजीराव मस्तानी देखी थी, तो मुझे रास नहीं आई, मुझे लगा कि बाजीराव ये ऐसे नहीं हो सकते, ये ऐसे गाने नहीं गाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अब बावजूद उसके वो उन्होंने वो फिल्म बनाई, मैं क्या कर सकता हूँ। अब मुझे बताइए मैं करता हूँ क्या करूँ, बताऊँ अरे अभी ये फिल्म अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई, आपको मालूम ही नहीं फिल्म में क्या दर्शाया है, दिखाया क्या है मालूम नहीं है। अब जाके वो मसले, मुझे लगता है ये बहुत ही छोटे ये है, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता, लेकिन जो मुझे लगता है कि मैं मारूंगा काटूंगा, नाक काटेंगे दीपिका की और उसका सर काटें, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, ये हम भारत है और हम भारत ही रहेंगे, वो बेहतर होगा। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति वाला माहिती नहीं है, तू कुठल्या संदर्भात बोलतोय? निवड आणि एस दुर्गा प्रमाणपत्र देऊन सुद्धा इफ्फी मध्ये सहभागी करून नाही घेतलं, प्री स्क्रीनिंग नाही होऊ दिलं आणि कुणीच याबद्दल बोलत नाही। नाही पण आता जर का ते त्याच्या बाजूने सगळाच जर तो बरोबर आपला, मला ह्या संदर्भातली पूर्ण माहिती नाही आहे, आपला न्यूडचा जो डिरेक्टर आहे आपला रवी जाधव, त्याच्याशी बोलल्यानंतर मी ह्याच्याबद्दल सविस्तर बोलू शकेन। आता मला नेमकं माहिती नाही त्या फिल्म नाकारल्या कशासाठी, आणि आपल्याला पूर्ण माहिती नसल्यानंतर त्याच्यावर टिप्पणी करणं मला असं वाटतं की तो योग्य नाही आहे। नाना, कोणतेही पिक्चर आले की त्याला विरोध कुठल्या ना कुठल्या संघटनेकडनं होतोय, असे ह्याच्यात कलाकारांची अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? नाही नाही, हे बघ, मी संघटनेकडनं विरोध होतो, आता गंमत अशी झालेली आहे की तू विरोध केल्यानंतर तुला पटकन प्रसिद्धी मिळते, आता मग तेही होतं, पण एक आहे की मी सिनेमा करत असताना माझी ही जबाबदारी आहे, नाही का? संजय लीला भंसाली को की इस तरह से विरोध बार बार आपके फिल्मों को हो रहा है? नहीं नहीं, वो कॉन्ट्रोवर्सी क्यों होती है भाई, मेरे फिल्मों के बारे में तो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई कभी, मुझे जो कहना है मैं रखा था। क्रांतिवीर में तो इतनी ऐसी बातें थी कि हर एक को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन तुम सही तरीके से अगर दर्शाओगे बताओगे तो लोगों को पता चलता है क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अब इन्होंने कैसे दिखाया क्या है संजय को, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, जब फिल्म देखूंगा तो मैं जरूर बता पाऊंगा। लेकिन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि फिल्म निर्देशक हो या प्रेक्षक हो, कि अपनी बात या जो सही मायने में जाए इस तरह से। सही मायने में जानी चाहिए, फिल्म का मतलब ये नहीं है कि हम दंगल मचाए यार, लोगों को उकसाए, लोगों को तकलीफ दे, समाज में तेड़ आ जाए, इसके लिए तो फिल्म बनाती नहीं है। सिर्फ मनोरंजन ये हमारा उद्देश्य है नहीं, कई फिल्में होती है सिर्फ मनोरंजन करती है, कुछ फिल्में हैं कुछ कहती है। अब दंगल जैसी जो फिल्म है इतनी बेहतरीन फिल्म है, अब उसके ऊपर भी बच्चियों को ऐसे क्यों कर दिया, इस बात पे अगर कोई उठता तो क्या होता। तो वो जो कोई नुक्स निकालने वाले हैं तो है, बहुत है भाई।